आज 14 अगस्त 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 14th अगस्त 2024 एंड इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। वंडर लगता है मुझे, सचमुच में वंडर लगता है। एक आत्मा ने प्रश्न भी पूछा, माना बहुत लोगों ने पूछा कि बाबा वही बात बार बार क्यों कहते हैं मुरली में। एक बार बता दिया तो समझ में आना चाहिए। छोटे बच्चों को हमको बार बार बताना पड़ता है, पर हम तो बड़े हैं तो बाबा वही बात रिपीट क्यों करते हैं। अभी ये भी कॉमन सेंस है। आज की मुरली चालू करने के पहले मैं लाओजू का एक कोट आपको बताना चाहूंगा। आप में से जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि जापान में एक स्पेशल धर्म है जिसको ताओइज्म कहते हैं। TAOISM, ताओइज्म। ताओ माना वे, माना जिस तरह से दुनिया में चीजें चलती है प्रकृति और मनुष्य आत्माओं में, उसको ताओइज्म कहते हैं। और लाओजू नाम का व्यक्ति उसका फाउंडर है। उनके बहुत सारे इंसाइट है जो बहुत गहरे हैं। चार प्रकार के लोग उन्होंने बताए हुए हैं। पहला है दोज हु डू नॉट नो एंड नीड टीचिंग, माना जिनको पता नहीं है उनको बताना चाहिए, ऐसे वो कहता है। उनको टीचिंग की जरूरत है। ये लोगों में अवेयरनेस की कमी होती है, नॉलेज नहीं रहता है, तो उनको बताने की जरूरत है। वो ब्लैंक स्लेट होते हैं और उनको पढ़ा के अच्छा बना सकते हैं। दूसरा है दोज हु डोंट नो दैट दे नो हो। दूसरा है कि उनके पास है पर उनको पता ही नहीं कि उनके पास है। ऐसे लोगों में हिडन टैलेंट्स होते हैं, क्षमताएं होते हैं जिसको वो जानते ही नहीं है। तो हमको उनको उमंग उत्साह में लाकर उनके अंदर जो क्षमताएं छिपी पड़ी है उसको बाहर निकालना है। तो पहले जो जानते नहीं है, पहले दूसरे जो है लेकिन जानते नहीं है, पहले के पास तो है भी नहीं और जानते भी नहीं है। तीसरे हैं जिनके पास है और उनको पता भी है उनके पास है लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। उनके बुद्धि को पता है कि उनके पास है लेकिन आत्मविश्वास की कमी है। तो उनको आत्मविश्वास भी दिलाना है। ये दोनों में फर्क है, सेकेंड और थर्ड में। सेकेंड वाले को पता नहीं कि उसके पास है, तीसरे वाले को पता है उसके पास है लेकिन वो आत्मविश्वास की कमी के कारण कर्म में नहीं आ रहा है। और चौथे जिनको हम सबको फॉलो करना चाहिए वो है जिनको पता है कि उनके पास क्या पावर्स है और वो दूसरों को भी बताते हैं कि उनके पास क्या पावर्स है। ये एनलाइटन होते हैं, पहुंचे हुए खिलाड़ी। इनको फॉलो करना चाहिए। इनको बाबा ने अनन्य बच्चे कहा है। आज की मुरली का शब्द है अष्ट रतन। तो देखो दुनिया में ज्ञान की कमी नहीं है। मुझे बहुत सारे ज्ञानी लोग मिलते हैं जिनको सब कुछ पता होता है लेकिन somehow अंग्रेजी का शब्द है इम्प्लीमेंटेशन पैरालिसिस, माना वो कर्म में नहीं आ रहा है। बाबा के बच्चे बहुत वंडर लगता है। इतने अच्छे बच्चे जो दूसरों को ज्ञान सुनाने वाले, दूसरों को गहराई में लेके जाने वाले, आज उन्होंने बाबा का हाथ छोड़ दिया है। तो बहुत वंडर है कि ये सब कैसे होता है। और मैं इस ड्रामा को साक्षी होके देखता रहता हूँ, वंडर खाता हूं।
अपना भी अनुभव आपको सुनाना चाहूंगा। बहुत सारे पेपर हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कई बातें कॉन्फिडेंशियल रखनी होती है। अभी दिखाई दे रहा है सब कुछ, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, अभी कुछ करेंगे हम। जो लौकिक में बताते हैं तो वो श्रीमत का वायलेशन हो जाता है, और नहीं करेंगे तो बीमारी बढ़ते जाएगी। तो कैच 22 सिचुएशन होता है। बाबा की श्रीमत है कि शुभ भावना और शुभ कामना, क्या करें। क्योंकि कभी अनुभव ये कहता है कि कोशिश किया लोगों को बचाने की बहुत अच्छी तरह से, शुभ भावना रखी, तरीका भी ठीक रखा, फिर भी वो बैकफायर होता है। बैकफायर माना, अगर आप समझते हैं बैकफायर माना आपके ऊपर ही आता है, तो बहुत बड़ा लेसन सीखा कि किसी को कुछ बताना नहीं चाहिए, शुभ भावना रखो और बिहेवियर अपना श्रेष्ठ रखो। अभी कई बार लोग इसके साथ सहमत नहीं होते हैं। जो भी बाबा के बच्चों ने हाथ छोड़ा है बाबा का, उन सब का मैं केस स्टडी स्टडी कर रहा था और उनसे भी बातचीत चर्चा की। अभी ये सब चार कैटेगरी वाले लोग उधर भी मिले। एक बाबा का बहुत स्कॉलर बच्चा जिसने राजयोगा के ऊपर रिसर्च किया है, PhD किया है, अभी ये साधारण आत्मा नहीं है, ये IQ हाई कैटेगरी में हम इनको रखते हैं, क्योंकि PhD करने के लिए आपके पास उतनी बुद्धि चाहिए। अभी कुमार सब कुछ अच्छा, लेकिन वन फाइन डे एक दिन कॉन्शियसली डिसीजन लिया कि मैं बाबा का हाथ छोड़ रहा हूँ। कारण नहीं बताया, लेकिन बहुत प्यार से अच्छे शब्दों में सबको बताया कि मैं बाबा का हाथ छोड़ रहा हूँ। अभी ऐसा एक होता तो मैं समझ सकता हूँ, एक नहीं है। मैं नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है, तो क्या होता है हमको नहीं पता। कई लोग विकारों के वश छोड़ देते हैं, वो बात अलग है कि रह नहीं पाते हैं पवित्र। कई लोगों को लगता है हम में काम विकार नहीं है, केवल क्रोध है, क्रोध में आकर भी ऐसा कर्म कर बैठते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार वो बाबा के यज्ञ से बाहर हो जाते हैं। अभी कितने, अगर मैं बताऊं पढ़ाई उनकी तो सबको पता चल जाएगा कौन है करके। यज्ञ में कुछ ऐसे बातें हो रही है, अभी सबको पता है, सबको दिखाई दे रहा है। जो ज्ञानी तो आत्मा होगा वो इन बातों में जाएगा ही नहीं। बाबा ने जिनको निमित्त रखा हुआ है वो बाबा के बच्चे देखेंगे। मुझे शुभ भावना रखना है, अगर हिम्मत है तो निमित्त आत्माओं को बहुत अच्छी भावना से बताना है, नहीं तो डिटैच हो जाना है। तो इन लोगों ने ग्रुप बना के बहुत कुछ किया, तो ये नॉन पार्लियामेंट्री वे हो गया। माना ये बाबा जिसको कहता है सत्यता के साथ सभ्यता होनी बहुत जरूरी है, तो फिर बाबा का हाथ छूट गया। अभी ये सब बच्चे जहां पर भी है, अभी कहीं पर भी रहे, लेकिन वो बाबा के प्यार को भूल नहीं सकते। ये भी बात उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये सब आने वाले हैं, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार उनका पद मिलेगा। मैं ये सब इतना विस्तार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जो मैं सोच में पड़ गया कि भगवान कह रहा है कि जिन बच्चों को 2 और 3 नंबर पर रखते थे वह है नहीं। आप सोचो, बाबा माला बनाते थे बच्चों की कि नंबर 1 कौन होगा 2 नंबर पे, तो जिन बच्चों को बाबा ने 2 और 3 नंबर में रखा था वो है नहीं आज। मान आप सोचो माया कितनी शक्तिशाली है, माया को भी दोष देना मुझे ठीक नहीं लगता है। माया कह के हम अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, माया माना हमारी कमजोरी है, तो
कमजोरी को बाबा माया कह रहे हैं। अगर किसी देहधारी को कहा तुम तो कमजोर हो तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत जेल में सेशन लेता हूँ तो जेल में एक बोर्ड लिखा हुआ रहता है, बहुत अच्छा स्लोगन रहता है कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। माना वो लोग जो भी कर्म हुआ है किसी से उसको अलग करते और वो व्यक्ति को अलग करते, माना वो भी एक्सेप्ट करते कि व्यक्ति अच्छा है लेकिन अंडर द इफेक्ट ऑफ माया, अंडर द इफेक्ट ऑफ क्रोध काम, जो भी विकार है उसके अंडर इफेक्ट उससे वो कर्म हुआ है और जिसकी सजा वो भुगत रहा है। बाबा ने कहा वह है नहीं, एकदम काटा बन गए। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती, युद्ध के मैदान में है। ये सब भगवद गीता है, भगवद गीता का पहला ही श्लोक है, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स, कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो ये कर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र है, तो कुरुक्षेत्र बोलते ही लोगों के आगे भक्ति मार्ग में वो हरियाणा का कुरुक्षेत्र आ जाता है। तो हरियाणा का कुरुक्षेत्र बाबा नहीं कह रहा है, ये दुनिया ही कुरुक्षेत्र है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, ये पहला श्लोक है, पहला ही शब्द है। कुरु माना कर्म, कर्म करने का क्षेत्र, और कर्म कहाँ होता है, कर्म हमारे मन के अंदर पहला होता है। समझो किसी को गुस्सा भी करना है, पहले मन में थॉट आएगा, फीलिंग आएगी, फिर बोल निकलेंगे, फिर हाथ पैर से मारा मारी होगी, लेकिन ये इतने फास्ट होता है कि पता ही नहीं चलता है कि कब गुस्से में आके क्या बोल दिया। अभी ये पिछले कुछ दिनों से गुस्से के ऊपर क्रोध के ऊपर स्लोगन चल रहे थे और मैंने उसी पार्ट को देखा, क्या हालत होती है क्रोध में, बाप रे, पता ही नहीं चलता है कितना गुस्सा भरा पड़ा हुआ है। और बहुत मजे की बात यह है कि गुस्से वाले को लगता ही नहीं कि वो कुछ गलत कर रहा है, ये और मजे की बात है, उनको हमेशा लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। नो पश्चाताप, नो रिग्रेट। अभी इसको क्या कहेंगे, ये इसको अभी हम क्या कहेंगे। बाबा कहता है ड्रामा, हम भी कहते हैं ड्रामा। माना ऐसे बच्चे जो दूसरों को समझाते थे कि सही क्या है गलत क्या है, बाबा को ऐसे याद करना चाहिए, पढ़ाते थे, चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ बैठ गई, ट्रेटर बन पड़ते हैं। ट्रेटर माना आप समझते हैं, अगेंस्ट में काम करना चालू करते हैं, ऐसे भी लोग हैं। दिस इज वंडरफुल। अभी गुस्सा होता है किसके ऊपर, गुस्सा होता है बाबा के ऊपर, गुस्सा नहीं है, बाबा को तो सभी एक्सेप्ट करते हैं, गुस्सा है देहदारियों के ऊपर, फिर वो निमित्त आत्माएं हो या और कोई हो उनके ऊपर गुस्सा होता है, पर वो समझते नहीं कि गुस्से में आकर क्या कर्म कर रहे हैं। यज्ञ का नाम बदनाम कर देते हैं। एक आत्मा ने तो मुझे कहा, मैंने उनको बहुत समझाया, बार बार कंप्लेंट कर रहा है, अभी गवर्नमेंट के पास कंप्लेंट जाती है तो नाम कितना खराब होता है, हमने समझाया तुम ये मत करो, तो उसने कहा नहीं, भगवान सजा नहीं देता है, भगवान लोगों को अपॉइंट करता है सजा देने के लिए, और मुझे भगवान ने अपॉइंट किया है इन लोगों को सजा देने के लिए, क्योंकि इनको पैसे का अहंकार आ गया है। बाबा कहते साधारण रहो, और ये ऐसे रहते हैं, तो उसको गुस्सा है कि इनके अंदर तपस्या नहीं है और ये मालिक बन बैठे हैं। तो मैंने कहा बाबा बैठा है ना, हर एक को अपने कर्म का फल मिलेगा, बाबा ने आपको कब कहा, कैसे कहा, बोला नहीं मुझे अंदर से पता चलता है। अभी ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। माना मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ, ये सब अनुभव आए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के लोग मिलते हैं, असंतुष्ट आत्मा है, बहुत असंतुष्ट है,
एक स्पिरिचुअलिटी में एक मान्यता है कि असंतुष्टता ये पाप कर्म का लक्षण है। अब ये बहुत गहरी स्टेटमेंट है, असंतुष्टता पाप कर्म का लक्षण है। ऐसे ही कोई असंतुष्ट नहीं होता है। संतुष्टता बाबा ने कहा संपूर्णता की निशानी है, संतुष्टता संपूर्णता की निशानी है। अभी ये बात भी समझने में टाइम लगती है कि असंतुष्ट क्यों होते हैं। आज की पूरी मुरली इसके ऊपर जा सकती है, आज का वरदान भी इसी के ऊपर है। असंतुष्ट होते अप्राप्ति के कारण, और अप्राप्ति का कारण कोई ना कोई इच्छा होती है। अभी जो लोग कहते हैं हम काम विकार में पास है, मैंने हमारी कामी दृष्टि नहीं है, लेकिन क्रोध है, असंभव है। ये दोनों बातें हो नहीं सकती है। आप कहते हो मेरे अंदर केवल गुस्सा है, बाकी काम नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि काम का बीज है कामनाएं। बाबा ने इसके ऊपर मुरली चलाई है कि काम का बीज है कामनाएं, इसलिए काम जीते जगत जीत का है, क्रोध जीते जगत जीत या लोभ जीते जगत जीत नहीं है, काम जीते जगत जीत है। ये माया की शुरुआत ही कामनाओं से होती है, इसलिए इसको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर कामनाएं हैं आप संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, असंभव है। अभी इसको समझने में भी काफी टाइम जाता है। लोग कहते हैं कामना नहीं करेंगे तो जिंदगी कैसे चलेगी। तो यहाँ पर हम फर्क करते हैं, कामना उठी खाना खाने को गए, कामना उठी पानी पीने को गए, कामना तो उठती है ना कि ये करना है, तो इसको भी अच्छी तरह समझना है। अंग्रेजी में कहते हैं द पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज थ्रू द डिजायर, इच्छा मात्रम अविद्या का रास्ता इच्छा से ही होकर गुजरता है। तो कौन सी इच्छा करने से बाकी सब इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, जिनको मिलेनियम साइंटिस्ट कहा गया, उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू नो दैट वन थिंग बाय नोइंग विच एवरीथिंग एल्स कैन बी नोन, मैं केवल वो एक चीज जानना चाहता हूं जिसको जानने के बाद बाकी सब जान सकते हैं, वो बीज को मैं जानना चाहता हूँ। यही आज की मुरली है, बीज है वृक्षपति शिव बाबा, ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है, उसका बीज शिव बाबा है, जिसको आप गॉड अल्लाह ईश्वर जो भी नाम से पुकारो, भगवान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप गुलाब को रोज को फूल को, उसका काम है खुशबू देना। तो शिव बाबा को पहचानने में ही नंबर है। बाबा भी मुरली में कहता है कि मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत कम बच्चे मुझे उसी रूप से उसी भाव से जानते हैं। होता क्या है, हमारे भक्ति मार्ग के बिलीफ सिस्टम, ये साइंस ने इतना कंफ्यूज करके रखा है, बिलियन इयर्स का साइकिल बोल के। तो साइंस भी कंफ्यूज करता है, इस समय के सो कॉल्ड धर्म नेता है उनका भी कोई दोष नहीं है, शास्त्रों की बातें सुनाते हैं, और पूरा जो झगड़ा है वो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है। अर्थ क्या निकालते हो आप, हर एक शब्द का अर्थ अगर आपने गलत निकाला तो आप गलत दिशा में जाओगे। श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर बहुत आत्माओं ने अपनी टीकाएं लिखी है, उसमें से एक टीका उसमें वो व्यक्ति कहता है कि गीता जा रही है दक्षिण की तरफ और आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, यू विल मिस द एंटायर बस। और सबसे मजे की बात है कि हर एक को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, मैं राइट हूं, ये सबसे बड़ी माया है। ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था, सबसे बड़ी माया कौन सी है, मैं राइट हूं।
तो चेक करना चाहिए। ये सब इतना विस्तार बताने का राज यही था कि बाबा रोज मुरली में कहता है कि बच्चे तुम आत्मिक रूप में भाई भाई हो और साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती है। अब ये कितने बार हमने पॉइंट सुना है, बाबा को क्यों बताना पड़ रहा है बार बार। आज तो बाबा ने रिजल्ट बता दिया तो मैं सोचने लगा इतनी बड़ी बात है क्या ये। बाबा ने क्या कहा कि जिनकी मनसा में भी क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, पूरी सिविल आई हो, वही अष्ट रतन बनते हैं। आप सोचो कितनी बड़ी बात होगी। इसका मतलब केवल जो अष्ट रतन है 33 करोड़ में, केवल 8 केवल इनके ही मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं आते हैं, बाकी सभी के आते हैं। यही भाव हो गया। अभी ये इतना कठिन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम सभी चिंतन करेंगे। मैंने भी बहुत चिंतन किया तो बाबा ने आज की मुरली में ही इसका जवाब दिया हुआ है। मुझे भी बहुत वंडर लगा। बाबा ने कहा बच्चे बिल्कुल अबोध रहते हैं, उनको अपवित्रता का कुछ पता ही नहीं है। जो देवताओं की अवस्था है वो छोटे बच्चों की होती है। क्यों? बाबा ने मुरली में कहा कि जो देवताएं हैं उनके अंदर विकारों की अविद्या होती है, माना विकार क्या है वही पता नहीं, यही अवस्था छोटे बच्चों की होती है, उनको विकार क्या है पता ही नहीं है। लेकिन जब स्कूल में जाते हैं, बाबा ने कहा संघ का रंग लग जाता है, सिविल आए बदल के क्रिमिनल बन जाती है। मैं कल स्कूल में गया था, कल इंटरनेशनल यूथ डे था, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम मुंबई में बाइकाला सेंटर की तरफ से हुआ था, एडिक्शन टू एक्शन इम्प्रूव माय ओन लाइफ, माना जिम्मेवारी दी गई थी इसे कंपटीशन। तो मैं जो हालत इस समय देख रहा हूँ, सब बच्चों को पता है गलत क्या है, लेकिन वो कहते हैं हमारा कंट्रोल नहीं हो रहता। ये 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा के बच्चे, 8 9 10 10th स्टैंडर्ड, वो कह रहे हैं हमको पता है गलत क्या है, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे। ये बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, माना 13 साल का बच्चा ये स्वीकार कर रहा है कि मेरे से ये हो रहा है, रोक नहीं पा रहे है। ज्यादातर कंप्लेंट है मोबाइल को हम नीचे रख नहीं पा रहे हैं। तो अभी उनको सॉल्यूशन देने वाले हैं, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लिया है। उनमें से अभी 1000 के ऊपर बच्चों को ये कंपटीशन लिया गया, उन सब ने ऐसे लिखा, उनको पेन पेपर सब दिया गया, लड्डू भी दिया गया। और इनमें से तीन, हर एक स्कूल से तीन तीन सिलेक्ट करके वो 30 स्टूडेंट को सेंटर पर बुला के उनसे ही सॉल्यूशन निकालेंगे। हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, दूसरे टीचर्स और दुनिया को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, यही लीडर बनेंगे, ऐसे उनको मोटिवेट करना है। तो ये प्रोजेक्ट है। तो मैं बच्चों के पास जो तूफान आते हैं वो मैं देख रहा था। तो बाबा ने आज कहा है कि छोटे बच्चे अबोध रहते हैं, बाद में जब बड़े होते हैं, जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी ये बात मुझे मेडिकल लगी, क्योंकि हार्मोन्स रहते हैं, 12 से 17 साल में सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। महाराष्ट्र में तो मराठी में कहावत है 16वां वर्ष धोक्याच, क्योंकि इस उम्र में गड़बड़ होती है, जबरदस्त आकर्षण रहता है। अभी ये गड़बड़ कितने साल तक रह सकती है? तो बहनों में, माताओं में जैसे ही बच्चे को पैदा करते हैं उनका आकर्षण कम हो जाता है, लेकिन बूढ़ों में भी कुछ रह सकती है, लेकिन जैसे उम्र होती है इंद्रिय शिथिल होने लगती है, टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होने लगता है, कम होने लगती है, वानप्रस्थ अवस्था वालों को कम और बच्चों को बहुत कम। ये बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो क्या बूढ़े होने की राह देखते रहे? इसलिए शायद पुराने जमाने में 4 आश्रम बताए कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य। इस समय के बच्चे बेचारे क्यों डिस्टर्ब है? क्योंकि मोबाइल से ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है, वो पवित्र रह नहीं पा रहे हैं।
25 साल तक ब्रह्मचर्य था, 25 से 50 गृहस्थ आश्रम माने शादी करके बच्चे पैदा करो, 50 के बाद फिर वानप्रस्थ और फिर सन्यास, ऐसे डिवाइड किया गया था। अभी तो बात मत पूछो, संग तारे कुसंग मोरे, बाबा ने कहा सतयुग में ये सब नहीं होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका कड़ा अभ्यास करें कि क्यों हमारी आत्मिक दृष्टि रहती नहीं है, मनसा में ख्यालात आते ही क्यों है। तो हमारे अंदर ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये बहुत सटल रूप में है, बहुत सटल रूप में है। बाहर को आपको कुछ नहीं करना है, अपना आत्मा का अभ्यास बहुत पक्का करना है, और आत्मा के जो गुण है उसकी फीलिंग में जाओ। सुखदेव के बारे में ऐसे कहते हैं कि सुखदेव पवित्रता में नंबर वन था। शास्त्रों में सनकादि ब्रह्मा के चार पुत्रों का गायन है, उनको हमेशा बच्चे दिखाया है, हमेशा, वो कभी बड़े होते ही नहीं है, ये पवित्रता का गायन है। अभी ऐसे 8 ही बच्चे होते हैं, अभी ये सोचकर बैठ मत जाना 8 ही पास होने वाले, मैं तो पीछे आया हूँ, मेरा तो नंबर लगेगा ही नहीं, ये भी सोचना गलत है। हमको पूरा 20 नाखून का जोर लगाना चाहिए, 20 नाखून का जोर लगा के हम नंबर ले सकते हैं। बृहस्पति की दशा हमारे ऊपर बैठी है। मैं तो ये अभ्यास करता हूं कि हर कर्म करने के पहले बाबा मेरे सामने आता है, मेरे सिर के ऊपर हाथ रखता है, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी विजय निश्चित है। यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन टीचर्स के लिए बाबा ने कहा कि किसी भी विकारी व्यक्ति को मधुबन में बाबा के टन में नहीं लेकर जाना है, क्योंकि लेकर जाने वालों के ऊपर बोझा चढ़ता है। मैं एक स्टोरी आपको सुनाऊंगा, सत्य घटना, मैं इसका साक्षी हूँ। पांडव भवन में अभी जन्माष्टमी का दिन है, श्री कृष्ण की आत्मा आने वाली है, हमारे मोहिनी बहन, मधुबन की मोहिनी बहन, ना कि अमेरिका की, उनके तन में श्री कृष्ण की आत्मा को बाबा भेजते थे। बड़ी दादी बैठी है ना, बाकी की दादियां भी है, सामने ब्रिजमोहन भाई है, सभी बैठे हुए हैं, और गीत बजा और स्टेज को सजाया गया था सतयुग की तरह, और हम राह देख रहे हैं कि अभी श्री कृष्ण की आत्मा आएगी, रास करेगी। लेकिन उस दिन बाबा ने वापस भेज दिया, तो सबको वंडर लगा कि क्या हुआ। वो तो हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन भाई ने स्टेज संभाल लिया। तो ब्रिजमोहन भाई ने बहुत अच्छा, उनकी विशेषता है, बहुत डीप नॉलेज, लेकिन ह्यूमरस वे में। तो वो आए, उन्होंने कहा क्या हुआ, मैं खुद मोहन हूँ, सामने एक मोहन भाई बैठा था, हम दोनों मोहन है, हम सब मिलके रास रचाते हैं। बाद में पता चला, बाबा ने कहा सभा में एक विकारी आत्मा बैठी है, विकारी आत्मा के सामने श्री कृष्ण की आत्मा आ नहीं सकती है। अभी देखो, बाबा श्री कृष्ण की आत्मा को नहीं भेज रहा है, तो बाकी लोगों का क्या है। आप शिव बाबा के सामने अगर किसी विकारी आत्मा को लेकर जाएंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। अब ये समझते नहीं है, बाबा ने जो भी नियम बताए, बाबा इज वेरी केयरफुल, और इस गलत फहमी में मत रहे कि बाबा को कहाँ पता चलता है, बाबा को सब पता चलता है। कोई भी इस गलत फहमी में मत रहे कि बाबा को कहाँ पता चलता है, बाबा बोलता नहीं है। होली हंस बनना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करो, हमेशा हमको अच्छा ही दिखाई दे, अच्छाई रूपी मोती चुगते रहो, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। और आज पूरा टारगेट रखेंगे कि मुझे स्कॉलरशिप लेके फुल पास होना है, अच्छे गुण धारण करने हैं, काटा नहीं लगाना है, आंखों को बिल्कुल सिविल रखना है, और बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी रहनी चाहिए कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। अच्छा, आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहेंगे, तो मैं कहूंगा कि जैसे अष्ट रत्नों ने अपने मनसा के अंदर भी क्रिमिनल ख्यालात लाए नहीं, ऐसे
मुझे भी पुरुषार्थ करना है, आत्मिक दृष्टि पक्की करनी है, किसी का कोई दोष नहीं है, ड्रामा निर्दोष है, हर आत्मा आदि अनादि संपूर्ण रूप में पवित्र है, हम सब देहधारी आत्मिक दृष्टि में भाई भाई है और साकार रूप में भाई बहन है, दूरांदेशी बनना है और संतुष्ट रहना है। बाबा मिला, सब कुछ मिला, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कल्प कल्प स्कॉलरशिप लेकर फुल पास होने वाली माला का रतन हूँ। अच्छा, ओम शांति।